आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल टेक्निकल टिप्स चैनल को चैनल को आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक इंजन एंड फोर स्ट्रोक इंजन। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने आपको चार स्ट्रोक के बारे में बताया था और SI इंजन के बारे में बताया था कि चार स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं और SI इंजन क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। SI इंजन के दो पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक होता है टू स्ट्रोक इंजन और एक होता है फोर स्ट्रोक इंजन। तो अब ये दोनों इंजन काम कैसे करते हैं आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताए थे कि जो चार स्ट्रोक होते हैं वो सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये चार स्ट्रोक होते हैं और इनके बारे में डिटेल में बताया था कि ये काम कैसे करते हैं। तो सेम वही चीज़ फोर स्ट्रोक में क्या होता है कि ये चारों स्ट्रोक अपना अलग अलग टाइम में अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि पहले स्ट्रोक में क्या होगा, अगर हम बात करें कि फोर स्ट्रोक इंजन की, तो क्या होगा कि पहले स्ट्रोक में सक्शन होगा, यानी कि सक्शन के टाइम पे क्या होगा कि पिस्टन TDC से BDC की तरफ मूव करेगा और एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन BDC से TDC की तरफ जाता है और एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करता है। उसके बाद स्पार्क प्लग उसमें आग लगा देता है और उसके बाद जो ब्लास्ट होता है उसे एक फोर्स जनरेट होता है जो कि पिस्टन को फिर से TDC से BDC की तरफ धकेल देता है। ये हो जाता है हमारा तीसरा स्ट्रोक, जिसको पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कहते हैं। और चौथा होता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारा जो वर्न गैसेज हैं, जो जली हुई हवा है या जला हुआ धुआं है, वो एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाता है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल देखनी है तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने चारों स्ट्रोकों को लेते हैं टू स्ट्रोक इंजन के बारे में। तो जैसा कि हमने अगर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया ही था कि अगर कोई भी इंजन है उसको चलाने के लिए उसे अपने चारों स्ट्रोक कंप्लीट करने पड़ते हैं तभी इंजन चलेगा, अदरवाइज़ वो इंजन नहीं चलेगा। लेकिन ये टू स्ट्रोक, अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि लेकिन ये तो टू स्ट्रोक इंजन है, अब एक इंजन टू स्ट्रोक में चार स्ट्रोक अपने चारों स्ट्रोक कैसे कंप्लीट करता होगा। तो उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो होता क्या है बेसिकली कि जो हमारा टू स्ट्रोक इंजन होता है इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट होते हैं और एक होता है ट्रांसफर पोर्ट। तो जब ये जनरली क्या करता है कि जैसे फोर स्ट्रोक इंजन एक टाइम में एक ही स्ट्रोक कंप्लीट करता है, लेकिन टू स्ट्रोक इंजन क्या करता है कि एक टाइम में दो स्ट्रोक को कंप्लीट कर लेता है। एक स्ट्रोक का मतलब है इंजन में अगर मैं एक स्ट्रोक की बात करूं कि पिस्टन TDC से VDC की तरफ गया तो एक स्ट्रोक हो गया, फिर VDC से TDC की तरफ गया तो दूसरा स्ट्रोक हो गया। ये TDC VDC क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में समझा रखा है, तो आप वो देख लेना तो पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। टू स्ट्रोक इंजन क्या करता है कि जब हमारा पिस्टन TDC से BDC की तरफ जाता है तो जनरली तो जो हमारे एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट जो होते हैं वो पिस्टन जैसे ही नीचे आता है तो वो खुल जाते हैं और एक तरफ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर सिलेंडर में जाता है और दूसरे साइड से जो जली हुई गैसें हैं वो बाहर निकलती हैं। फिर पिस्टन हमारा BDC से TDC की तरफ मूव करता है तो वो क्या करता है कि एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको कंप्रेस करता है और उस टाइम पे हमारा इनलेट पोर्ट खुल जाता है और वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है इंजन के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये जनरली क्या कर रहा है, ये अपने चारों स्ट्रोक तो कंप्लीट कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है कि दो स्ट्रोक को एक साथ कंप्लीट कर रहा है, मतलब सक्शन और एग्जॉस्ट एक साथ हो रहे हैं और कंप्रेशन और सक्शन एक साथ हो रहा है।
तो ये दो स्ट्रोक जो है एक साथ काम करते हैं और दो स्ट्रोक एक साथ काम करते हैं। जैसे ही पावर जनरेट होती है, मतलब स्पार्क लग होता है, स्पार्क करता है, उससे पावर जनरेट होती है, पिस्टन TDC से VDC की तरफ आता है, और वैसे ही हमारा जो ट्रांसफ़र पोर्ट है और एग्जॉस्ट पोर्ट है वो ओपन हो जाते हैं, और ट्रांसफ़र पोर्ट से एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में जाता है, और दूसरे साइड से हमारा जली हुई गैसें वापस निकल जाती है, फिर पिस्टन VDC से TDC की तरफ जाता है, तो वो कंप्रेस करता है, और हमारा जो इनलेट पोर्ट है वो इंजन के अंदर एयर और फ्यूल के मिक्सचर को भेज देता है। तो ये हमारा होता है, इस तरह से हमारा काम करता है टू स्ट्रोक इंजन। तो चलो भाई, आज की बहुत वीडियो काफ़ी में अच्छा इतना जाना ही, मोबाइल टेक्निकल। अपने मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ कि टू स्ट्रोक इंजन में और फोर स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस क्या है, टू स्ट्रोक इंजन के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, फोर स्ट्रोक इंजन के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो आज के लिए।